भारत के भूगोल के जनसंख्या से संबंधित बिंदुओं के अंतर्गत आज हम जनसंख्या विस्फोट भारत के संदर्भ में उसका अध्ययन करेंगे। जनसंख्या और संसाधनों के जो अनुपात या अंतर संबंध है, जब वो विकृत होने लगते हैं तो हम उसको जनसंख्या अतिरेक या ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक तेजी से बढ़ने लगे तो उसे जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा दी जाती है। भारत में विश्व का केवल 2.4% क्षेत्रफल है, लेकिन यह जनसंख्या विश्व की 17.5% है। उसको पालना पोषण करना पड़ता है, इसलिए भारत की जनसंख्या इसके क्षेत्रफल की अपेक्षा 382 गुना है। जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर 1.64 प्रतिवर्ष है। इस हिसाब से भारत दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश चीन को 2030 तक पार कर जाएगा। भारत में 1950-51 के बीच 21.6%, 61-71 के वर्ष दशक में 24.8%, 71-81 में 24.7%, 81-91 में 23.8%, 91-2000 में 21.5% और 2001-11 में 17.7% की दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई। इसके अनुसार 50-51 के मध्य 1951-1961 के मध्य 7.81 करोड़ जनसंख्या अतिरिक्त जुड़ी, 61-71 के बीच 10.89 करोड़, उससे बढ़ते हुए आ रही है। 1971-81 में 13.5 करोड़, 81-91 में 16.3 करोड़ और 91-2000 के बीच 18.23 करोड़ और पिछली जनगणना तक 2001-11 के बीच 18.20 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई। इसलिए 71-81 के बाद से दिखाई पड़ने वाली जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हालांकि हुई है, ऊपर देखा जैसे यहाँ पर हमने, लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या में वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि जनसंख्या का विशाल आधार है। जनसंख्या पहले से ही अपने आप में काफ़ी अधिक है, उसमें थोड़ी सी भी जनसंख्या में वृद्धि होने पर कुल आंकड़ा काफ़ी अधिक हो जाता है। हालांकि जनगणना वर्ष 2011 में पहली बार शुद्ध जनसंख्या जनगणना वर्ष 2001 की तुलना में मामूली कमी दिखाता है। ऐसा 1921 के बाद पहली बार हुआ है जब सकल कुल जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो पिछले जनगणना से कम है। भारत में ऐसी जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है उसके क्या कारण है? पहला है, यह सबसे मुख्य कारण जनांकिकी की या जनसंख्या विज्ञान की दृष्टि से उच्च जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर है। किसी देश की जो प्राकृतिक वृद्धि दर जिसे बोलते हैं वो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर पर निर्भर करती है। अगर जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर उतनी अधिक हो जाएगी। आज भारत में इन दोनों दरों में काफ़ी अंतर है। भारत में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास 1931 के दशक में शुरू हो गया था, परंतु जन्म दर में ह्रास यानी कमी के प्रथम लक्षण 1971 में ही सामने आए। इसका परिणाम जनसंख्या विस्फोट की लंबी अवधि के रूप में हमें दिखाई पड़ा। भारत में 1901-1911 के बीच जन्म दर 49.2 प्रति हजार, जन्म दर और मृत्यु दर को प्रति हजार जनसंख्या पर नापते हैं तो वो 49.2 थी। 1951-61 में 41.7 घटकर हो गई जन्म दर और 71-81 में 37.2, 93-95 में 28.5 और 2010-11 में ये 22.4 प्रति हज़ार थी। इसकी तुलना में मृत्यु दर 1901-11 में 42.6 प्रति हज़ार थी, काफ़ी
अंतर्निहित जन्म दर मृत्यु दर में 1911 और 1901 के बीच, 1951-61 में 22.8, 1971-81 में 15 प्रति हज़ार, 1993-95 में 9.2 और 10-11 में 6.5 प्रति हज़ार रह गई। इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत में 1901 से 11 के दौरान जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है ना, जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाने से प्राप्त होती है, ये कितनी थी, 6.6 प्रति हज़ार, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में कमी थी और महामारियों से काफ़ी लोग मर जाते थे, प्राकृतिक वृद्धि दर कम थी। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होने के फलस्वरूप मृत्यु दर कम होने लगी और 1951-61 में यह प्राकृतिक वृद्धि दर बढ़कर 18.9 प्रति हज़ार हो गई, 71-81 में 22.2 प्रति हज़ार हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे, और वर्ष 2010-2011 में यह 15.9 प्रति हज़ार के स्तर पर थी, क्योंकि मृत्यु दर तो घट गई किंतु जन्म दर अब भी अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर बनी हुई है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार का परिणाम इस चीज़ में दिखाई पड़ता है कि जीवन प्रत्याशा जो 1991 में 58 वर्ष थी वो 2011 में औसतन 66 वर्ष की हो गई है। भारत में जन्म दर उच्च होने का एक कारण गर्म जलवायु भी मानी जाती है, क्योंकि ऐसी जलवायु में बच्चे शीघ्र वयस्क हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और वो शीघ्र शादी कर दिए जाने से संतानोत्पत्ति करने लगते हैं। दूसरा है विवाह की व्यापकता, भारत और बाल विवाह। भारत जैसे देश में सामाजिक धार्मिक दृष्टि से विवाह एक अनिवार्य चीज़ मानी गई है, और बाल विवाह भी एक कुप्रथा के रूप में लंबे समय से चलता आया है। इसके कारण जल्दी विवाह होने से और सार्वभौमिक विवाह होने से जनसंख्या अधिक होने लगती है। तीसरा है शिक्षा का अभाव और परिवार नियोजन में कमी। शिक्षा का अभी भी अभाव है, हालांकि पुरुषों में 2011 में 82% साक्षरता थी, महिलाओं में 2/3 थी, केवल 65% के आसपास, लेकिन शिक्षा अधिक होने पर लोग काम धंधे या व्यवसाय नौकरी वगैरह में लगते हैं तो उनके पास उतना समय नहीं रहता है और वो जागरूक भी हो जाते हैं, और वो ज़्यादा जनसंख्या या ज़्यादा बड़े परिवार को निर्मित करने में विश्वास नहीं रखते। फिर है अविवेकपूर्ण मातृत्व। 1951 में जो जनगणना आयुक्त थे गोपाल स्वामी, उन्होंने कहा था कि भारत जैसे देश में उच्च जन्म दर का कारण उच्च मृत्यु दर है, क्योंकि माताओं को ये विश्वास नहीं होता कि उनके बच्चे जिंदा रहेंगे, तो वो ज़्यादा जन्म देने में विश्वास रखती है। एक कारक है निर्धनता और मनोरंजन के साधनों में कमी। निर्धनता के कारण लोग बच्चों को ज़्यादा संख्या में बच्चों को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चे जितने होंगे वो उतनी अधिक कमाई करेंगे, इसलिए उन्हें बुढ़ापे की पेंशन माना जाता है। गुनार मेडल स्वीडन के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा था कि निर्धन समाज में बच्चे परिवार पर बोझ नहीं होते अपितु वे परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा का एकमात्र साधन होते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि जैसे जैसे संपन्नता बढ़ती है, अमीरी बढ़ती है, वैसे वैसे प्रोटीन और कैलोरी का उपयोग बढ़ता है, मीट का, प्रोटीन का, ऐसी चीज़ों का, कैलोरी का और प्रोटीन का, और इन दोनों के उपयोग बढ़ने से जन्म दर कम होने लगती है, संतान उत्पादन की क्षमता घटती है। फिर है एक कारक गाँव की प्रधानता और कृषि पर निर्भरता। भारत अब भी कृषि प्रधान देश है, देश के 69% लोग अब भी गाँव में रहते हैं, नगरों में 31% लोग हैं। गाँव में रहने वाले लोग ज़्यादातर कृषि पर आश्रित हैं, और वो कृषि में बड़े परिवार ज़्यादा बच्चे कृषि कार्यों में मददगार साबित होते हैं, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा होती है। एक
प्रोफेसर लेवेनस्टीन का मत है कि जब किसी भी कारण से आदमी के पास पहली बार काफ़ी मात्रा में पैसा आता है तो वो जनसंख्या जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न नहीं करता ऐसा परिवार ऐसे लोग, अपितु वो उनके परिवारों की आकार में वृद्धि होने लगती है, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन बताते हैं। फिर धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास भी एक कारण है, क्योंकि देशवासी संतान को ईश्वर की देन मानते हैं। बहुत सारे धार्मिक संगठन परिवार को छोटा करने के है ना के लिए तैयार नहीं है, उसके पक्षधर नहीं है। और बच्चों से रहित जो दंपति होते हैं उनको आदर भी नहीं दिया जाता देश में। अगला है संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा के कारण देश में जो अभी भी कायम है बड़े बड़े एरिया में या है ना गाँव में छोटे कस्बों में, तो उसमें ज़्यादा बच्चे परिवार में हो तो भी उनको है ना परिवार के विभिन्न सदस्य उनको लालन पालन में मदद कर देते हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ जाती है। ये एक सहायक कारक सिद्ध होता है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या है? प्रति व्यक्ति कृषि भूमि में गिरावट, कृषि पर भार। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कृषि की जो जोत है खेतों का जो आकार है उनको देखें तो औसतन वो 70-71 में 2.28 हेक्टेयर का था एक औसत खेत का आकार। 2010-11 में ये घटकर 1.15 हेक्टेयर ही रह गया है। तो छोटी जोत के कारण कृषि की नई पद्धतियों को अपनाने में और उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई आती है, तो जनसंख्या का पेट भरने में इसलिए कठिन मुश्किल होती है। वर्ष 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 0.48 हेक्टेयर यानी 1.18 एकड़ थी। 1971 में ये 0.28 हेक्टेयर हो गई घटकर 1981 में और कम होकर ये 0.20 हेक्टेयर ही रह गई। 2000 में 0.14 और 2011 में ये केवल 0.06 हेक्टेयर यानी कि 0.15 एकड़ रह गई है। कृषि की भूमि और जनसंख्या के इस बिगड़ते अनुपात के कारण बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने में दिक्कत आने लगती है। प्रति व्यक्ति आय में कमी। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रतिकूल असर प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो आय उतनी तेजी से बढ़ नहीं पाती है, तो प्रति व्यक्ति आय कम होने लगती है, जीवन स्तर का घटने लगता है। वर्ष हर संभव प्रयत्न के बावजूद योजना अवधि में भारत में प्रति व्यक्ति आय में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई है। वर्ष 2011-12 में भारत में प्रति व्यक्ति आय औसतन 60,972 रुपये थी। गोवा में यह सर्वाधिक 1,38,919 और बिहार में न्यूनतम 20,000 के आसपास ही थी। तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से घटती जाती है। श्रमिक भागीदारी में गिरावट, बेरोजगारी और भूमिहीन श्रमिकों में वृद्धि। किसी जनसंख्या का जो निर्भरता अनुपात है डिपेंडेंसी रेशियो कार्यशील आयु के लोगों पर आश्रित बच्चों और वृद्धों को दर्शाता है, तो निर्भरता अनुपात की गणना करने के लिए बच्चों तथा वृद्ध, बच्चे 15 वर्ष से कम और वृद्ध 60 वर्ष से ऊपर, उनकी संख्या को युवा लोगों की संख्या से यानी कि 15 से 59 साल के लोगों जो कार्यशील लोग होते हैं कमाने वाले उनकी संख्या से विभाजित कर दिया जाता है और इसे परसेंट में प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। वर्ष 1997 में भारत में निर्भरता अनुपात 65% था, जो कि अनुमान के अनुसार 2015 में 47.3% हो गया है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रों में निर्भरता अनुपात अधिक होता है, क्योंकि भारत भी तीव्र वृद्धि का देश है और इसमें ये अनुपात अधिक होता है क्योंकि कम आयु के बच्चों का अनुपात बढ़ जाता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इसके कम आयु के बच्चों का अनुपात तेजी से बढ़ता है। किसी जनसंख्या की कार्य सहभागिता दर वर्क पार्टिसिपेशन रेट उस जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग यानी 15 से 60 वर्ष के जो कमाई करने वाले आयु वर्ग है
के लोगों के अनुपात को दर्शाती है। कुल जनसंख्या में ये इन लोगों का क्या प्रतिशत है। भारत में कार्य सहभागिता दर वर्क पार्टिसिपेशन रेट 2001 में 39% के करीब थी, 39% के आसपास, ये ज़्यादा उच्च नहीं है, क्योंकि यहाँ जनांकी के संक्रमण अभी ऐसी अवस्था में है जहाँ प्रतिवर्ष 15 वर्ष से कम आयु वाले जो है उनकी वृद्धि काफ़ी अधिक हो जाती है। तेजी से जनसंख्या बढ़ती है तो बच्चों का अनुपात बढ़ता है, तो कार्य सहभागिता दर कम हो जाएगी। वर्ष 2001 में पुरुषों की यह सहभागिता दर 51.7% थी। ऐसे श्रमिक या कर्मी जो वर्ष में कम से कम 6 महीने काम, 6 महीने और उससे ज़्यादा अवधि तक काम ढूंढ पाते हैं, कर पाते हैं, काम मिल जाता है, उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है, और 6 महीने से कम अवधि तक जिन्हें काम मिल पाता है वो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। वर्ष 2011 में देश में 70.8% मुख्य श्रमिक थे और 22.2% सीमांत थे। 1991 से 2001 के बीच सीमांत श्रमिकों का कुल कार्यशील लोगों में अनुपात 9% से बढ़कर 22.2% हो गया है। बढ़ती जनसंख्या के क्षेत्र में रोजगार की अल्पता के कारण ऐसा प्रारूप पाया जाएगा। तो रोजगार के सुअवसर नहीं है, मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, हर एक को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो उस समय सीमांत श्रमिक ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये है ना, आर्थिक स्थिति खराब, आर्थिक स्थिति का द्योतक है। देश के कार्यशील लोगों में काश्तकारों का अनुपात 1981 में 42.6% था, जो कि 2001 में घटकर 31.7% रह गया। जबकि खेती और श्रमिक, जिनके पास कोई खेती जमीन नहीं होती है, भूमिहीन श्रमिक भी कह सकते हैं, उनका अनुपात 1981 में 24.9% था, जो कि 1991 में 27% से अधिक हुआ और 2001 में बढ़कर ना थोड़ा सा घटकर 26.5% हो गया। कृषकों के अनुपात में कमी और श्रमिक कृषि श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि भी खराब आर्थिक स्थिति को का परिचायक है, जो बढ़ती जनसंख्या के साथ आता है। फिर गरीबी और रहन सहन के स्तर पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है जनसंख्या जब तेजी से बढ़ती है। अधिक जनसंख्या के कारण लोगों में उच्च निर्धनता और न्यून रहन सहन का स्तर पाया जाता है। वर्ष 73-74 के आंकड़ों के अनुसार भारत की आधी से अधिक जनसंख्या करीब 55% निर्धन थी। 1983 में 44.5%, 93-94 में 36% और 2005 में 27.5% थी। 2011 के आंकड़े अनुमान बताते हैं कि 21.9 यानी 22% जनसंख्या अब भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, यानी कि करीब 26.5 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी उधर उतना ही निर्धन लोगों का अनुपात भी बढ़ेगा। खाद्यान्नों की कमी और आयात। देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण खाद्यान्न के अभाव की समस्या उभरती है। देश लोगों की पेट भरने के लिए हर वर्ष काफ़ी मात्रा में खाद्यान्न, तिलहन और दलहनों का आयात भी करना पड़ता है। यद्यपि पहले की अपेक्षा खाद्यान्नों का उत्पादन काफ़ी बड़ा है। वर्ष 2012 में 182 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ। इसके उत्पादन का 30% ही थोक बाजार में पहुँचता है, बाकी घरेलू खर्च में चला जाता है। इसलिए इस वर्ष भारत को 12,739 करोड़ रुपए के दलहन का आयात करना पड़ा। इसी वर्ष 3,071 करोड़ रुपए की चीनी और 406 करोड़ रुपए के तिलहनों का भी आयात करना पड़ा। चावल गेहूं का तो उत्पादन काफ़ी होने लगा है, लेकिन अभी बाकी चीज़ों का आयात अभी भी करना पड़ जाता है। ये बढ़ती जनसंख्या के कारण और भी विकट हो जाती इसकी स्थिति। देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि भोजन के विभिन्न मदों का औसत उपभोग अनाज को छोड़कर आवश्यकता की तुलना में काफ़ी कम है।
जैसे वर्ष 2005-06 में देश का अनाज का औसत उपभोग पुरुषों में 418 ग्राम, महिलाओं में 365 ग्राम था, जबकि इसकी आवश्यकता 300 ग्राम प्रतिदिन है औसत। तो भारत में जो आम आदमी है वो अनाज का सेवन ज़्यादा करता है और बाकी दाल, दलहन, तिलहन और सब्जियों और फ्रूट जो है ना प्रोटीन के और विटामिन के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनका उपभोग कम करता है। तो इसलिए दालों का उपभोग जो 60 ग्राम की आवश्यकता है प्रतिदिन, उसके विपरीत पुरुषों में 31 ग्राम, महिलाओं में 27 ग्राम ही भारत में इसका उपभोग हो पाता है। सब्जियों, दूध और दूध के उत्पाद, फल, वसा यानी फैट्स, तेल वगैरह, घी वगैरह, इनके उपभोग का स्तर भी आवश्यकता से कम है। तो ये जनसंख्या वृद्धि का ये एक है ना प्रभाव ही है अपने आप में। संसाधनों पर जनसंख्या का प्रभाव, देश के संसाधनों पर जनसंख्या का प्रभाव, बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। इन दोनों का प्रभाव देश के सीमित बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रति व्यक्ति कृषि भूमि और वन संसाधन भी कम होते गए हैं। करीब 1.5 मिलियन हेक्टेयर वन प्रतिवर्ष समाप्त हो रहा है। कृषि भूमि जल जमाव, अपरदन और जल स्तर में गिरावट से प्रभावित है। ग्रीष्मकाल में अनेक क्षेत्रों में पेयजल अभाव की विकट समस्या हो जाती है। कई खनिजों की उपलब्धता भी कम होने लगी है। ये सब जनसंख्या के बढ़ने के प्रभाव हैं। ऐसे ही प्रभाव सेवाओं पर दिखेगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या मनोरंजन वगैरह हो। देश में काफ़ी लोग अभी भी अशिक्षित या निरक्षर हैं। 1959 में मुदालियर समिति ने चिकित्सा सेवाओं के संदर्भ में कहा था कि प्रत्येक 3,500 जनसंख्या पर एक डॉक्टर और प्रत्येक 1,000 जनसंख्या पर एक हॉस्पिटल में बेड या शैया होनी चाहिए। अधिकांश राज्य इन दृष्टि से बहुत पीछे हैं। लोगों में घरों की उपलब्धता भी है पर्याप्त है या उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पे प्रभाव भी पड़ता है जनसंख्या बढ़ने का। अधिक मात्रा में भवन और सड़कों के निर्माण के कारण जल जो रिसाव करके नीचे भूमिगत जल को बढ़ाने में जिसकी भूमिका होती है वो भूमिगत नहीं हो पाता, खासकर नगरीय क्षेत्रों में, और वो एक साथ बहकर आगे निचले भागों में बाढ़ लाता है और जहाँ से बह के जाता है उन क्षेत्रों में सूखा लाता है। जंगल के कटने का प्रभाव जलवायु और पर्यावरण दोनों पे पड़ा है। जंगल इसलिए कटते हैं कि लोगों को लकड़ी चाहिए बढ़ती जनसंख्या को। पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन जनसंख्या दबाव के ही परिणाम है। नगरीकरण का प्रभाव, तीव्र जनवृद्धि का प्रभाव नगरों पर भी दिखाई पड़ता है। ग्रामीण जनसंख्या तेजी से नगरों की ओर प्रवास या स्थानांतरण करती है, इसलिए देश में एक तरह से नगरीय विस्फोट हो रहा है। बहुत तेजी से नगरों की ओर लोग जाने लगे हैं। नगरों की ओर लोग इस प्रवासन के कारण आवास की समस्या आती है, क्योंकि वहाँ जो प्रवासी लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं बाहर। ये आंकड़े बताते हैं कि 1/3 लोग नगरों में, खासकर महानगरों में, अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो मात्र एक कमरे के, छोटे से कमरे के बराबर आकार की होती है। नगरों में पानी बिजली की अत्यंत कमी भी जनसंख्या दबाव से बढ़ती जाती है। यातायात, गंदे पानी का निकास, वायु जल प्रदूषण आदि अन्य समस्याएं गिनाई जा सकती हैं। जनसंख्या समस्या का समाधान क्या हो सकता है? मोटे तौर पर कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो बढ़ती हुई जनसंख्या का के लिए जो भोजन की आवश्यकता जो बढ़ जाती है वो पूर्ति हो सकती है। तो भारत में प्रति एकड़ कृषि उत्पादन अन्य देशों से अभी भी कम है। नई तकनीक अपनाकर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराकर बंजर भूमि को यथासंभव कृषि योग्य बनाकर गहरी जुताई करके उन्नत बीज और कृषि की आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, औद्योगिकरण, उद्योग ज़्यादा मूल्य वाले उत्पादन मुहैया कराते हैं, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा बेहतर रोजगार दे सकते हैं।
कृषि की तुलना में। इसलिए औद्योगिकरण को बढ़ाने से प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देना इसलिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। औद्योगिकरण से नगरीकरण भी बढ़ता है, और चूंकि नगरों में रहने सहने और की जो अपेक्षाकृत महंगा होता है, तो नगरीय क्षेत्रों में जो लोग अगर अधिक होंगे तो वह बच्चों की जो जनसंख्या है, बच्चों का जो उत्पादन है, वो संतान उत्पत्ति कम करने लगते हैं। फिर औद्योगिकरण के बाद नगरीकरण है। भारत में नगरीकरण आर्थिक विकास का द्योतक है, वैसे पर पाश्चात्य देशों में भी माना गया है, परंतु भारत में यह संतोषजनक विकसित रूप से ढंग से विकसित नहीं हुआ है। बड़े नगर और महानगरों का अधिक विकास हुआ है, छोटे नगरों के विकास की अधिक आवश्यकता है। जहाँ नगरीकरण अधिक होता है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक पाई जाती है, इसलिए नगरीकरण और उच्च उत्पादकता वाली आर्थिक गतिविधियों पर आधारित नगरीकरण को बढ़ावा देना जरूरी है। फिर शिक्षा का प्रसार, जितना शिक्षा का प्रसार होगा लोग उतने जागरूक होंगे, है ना, और वो रोजगार उन्मुख होंगे। जितना ज़्यादा रोजगार की ओर पति पत्नी लगे होंगे, कार्य में लगे होंगे, तो उतना वो जन बच्चों की उत्पादन पर, संतानोत्पत्ति पर उतना ध्यान नहीं देंगे, जनसंख्या कम होगी। अगला है सेवाओं में विस्तार और संसाधनों का विकास। जल, मिट्टी, वन, विभिन्न खनिजों के समुचित उपयोग द्वारा जनवृद्धि की गंभीरता को कम किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं में वृद्धि भी जनसंख्या के बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव को कम कर सकती है। अन्य उपाय भी बताए जा सकते हैं, जिनमें जो वैवाहिक आयु का जो कानून है उसको लागू करना, कि लड़की की आयु 18 और लड़के की 21 वर्ष से कम नहीं हो, तो देर से विवाह होगा तो संतानोत्पत्ति के अवसर भी कम होंगे, और देर तक शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे तो उनकी शादी देर से हो पाएगी। जनसंख्या को कम करने का महत्वपूर्ण उपाय परिवार नियोजन है। इसका अर्थ परिवार को सीमित रखना और बच्चों की जन्म अवधि में पर्याप्त अंतराल रखना है, तो परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। देश में ऊंची जन्म दर का एक कारण मृत्यु दर का ऊंचा होना है, इसलिए पैदा हुए बच्चों को सुरक्षित रखना होगा। चिकित्सा और पोषण सुविधाएं देना जरूरी है। जन्म दर नियंत्रण हेतु कानून बनाया जा सकता है, और अधिक रोजगार की सुविधा बढ़ाकर निर्धनता को कम करके भी गरीब जनता को कम बच्चे उत्पन्न करने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। रोजगार की सुविधा बढ़ाकर निर्धनता को कम करने से गरीब जनता कम बच्चे उत्पन्न करेगी, क्योंकि निर्धनता में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, ऊपर देखा था।